For the last 40 years, Plan India sponsorship programs have transformed the lives of children and their communities at large. From Rajasthan's Bikaner district echoes the awe-inspiring story of one such sponsored child. Sakina from Lunkar Ansar. मेरे परिवार में आठ सदस्य हैं। हमारी जो पांच बहनें हैं वो अनपढ़ हैं। हमारे माता-पिता थे उनको कोई जानकारी नहीं थी पढ़ाने के बारे में। मेरे परिवार में मैं एक ही लड़की पढ़ी हूँ। पिताजी हैं उनको 25-30 साल से दिखता नहीं है। मम्मी जी थे उनकी भी थोड़ी तबीयत खराब रहती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण और घर में कोई काम करने वाला नहीं होने के कारण मैं पढ़ाई को बीच में थोड़ी जारी रखना नहीं चाहती थी। तब उर्मूल प्लान से जो कार्यकर्ता है उन्होंने हमारे माता और पिता को प्रेरित किया कि अपनी बच्ची को आप स्कूल भेजो। शुरुआत से पहले बहुत कठिनाइयां आई, जैसे आठवीं की, तो उसके बाद दसवीं की कोई यहाँ स्कूल नहीं थी। मैंने दसवीं उर्मूल प्लान में बालिका शिविर में की, तो वहाँ सारी सुविधा थी, खाने तक लेकर और पाठन पठन सामग्री है उनकी सब व्यवस्था थी। हमें वहाँ पर बहुत बातों पर ज्ञान दिया जाता था, पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी सिखाई मेरे को। दसवीं करने के बाद वहाँ उर्मूल प्लान में जैसे बारहवीं का शिविर तो लगा बालिका, उसमें मैं जा नहीं सकी। उसके बाद मैंने ग्यारहवीं और बारहवीं प्राइवेट घर पे ही की। मैंने उसके साथ साथ कुछ अन्य काम भी किए हैं। सबसे पहले तो मैंने वो शालापुर शिक्षा केंद्र चलाया 8 महीने, उसमें मेरे को 800 रुपये प्रति माह मिलता था। उसके हिसाब से मैं अपनी पढ़ाई को जारी रख सकी और खुद का खर्चा है पढ़ाई का वो मैं करती थी। और फिर लोक शिक्षा केंद्र चलाया, उसके बाद मैंने बीए की, तो साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई भी की और साथ में काम भी किया। लोक शिक्षा केंद्र वाला जो अनुभव था ना, वो मेरे पास 5 साल और 8 महीने का था। उसी के आधार पर मेरे को पंचायत सहायक पद पर मेरा चयन हुआ। वहाँ तक पहुँचने का उर्मूल सेतु प्लान में जो कार्यकर्ता काम करते हैं उन्हीं का मेरे को सहयोग मिला। उन्हीं ने मेरे को आगे का सही रास्ता बताया। अब मैं पंचायत सहायक पद पर नियुक्त हूँ और राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय सत्ता सर है ना, वहाँ मैं पहली से लेकर पाँचवीं तक बच्चों को पढ़ाती हूँ। उर्मूल प्लान को धन्यवाद कहती हूँ, ऐसी पढ़ाई को हमेशा के लिए जारी रखें और आगे के लिए और ज़्यादा मजबूत बनाएं।